आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित दून अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों को सिकल सेल रोग उपचार और बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सिकल सेल एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कठोर सिकल यानी हंसिया या दराती के आकार के रेड ब्लड सेल्स सामान्य ब्लड फ्लो में बाधा डालते हैं। ये गंभीर समस्या है लेकिन लोगों में इसके प्रति जागरूकता की कमी है, इसी वजह से ये जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अवेयरनेस प्रोग्राम था, इसमें सिकल सेल एक वैसे एक रेयर बीमारी है लेकिन ये काफ़ी गंभीर बीमारी है जिसमें जो हमारा हीमोग्लोबिन जो रक्त कणिकाएं हैं वो बहुत ही स्टिफ मतलब बहुत टाइट और एक हंसिए की शेप की हो जाती हैं, जिससे अंदर एक तो हीमोग्लोबिन की कमी एनीमिया होना और दूसरा ये जाकर जो छोटे अंग हैं उसके अंदर ये जम जाते हैं, थक्के जम जाते हैं, जिससे बहुत ही पेनफुल स्थिति हमारी उंगलियों की पैरों की और इवन जो बताया गया कि ये लंबी हड्डियों में भी ये बहुत ज़्यादा दर्द की एक कंडीशन बन जाती है। तो इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आजकल जिस तरह की तकनीक बढ़ रही है तो इसको एक स्क्रीनिंग एंटीनेटल स्क्रीनिंग भी की जा सकती है और बच्चे के पैदा होने के बाद भी इसका अभी तक भी कोई बहुत ही एक उपचार उपलब्ध नहीं है। इसमें मेन बार बार खून क्यों चढ़ाना। वहीं सिकल सेल जागरूकता अभियान से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सभी 13 जिलों में आज आयोजन किए गए। देश के 17 राज्यों में सिकल सेल जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं जिनमें उत्तराखंड भी शामिल है। भारत सरकार की जो दिशा निर्देश हैं उन निर्देशों के क्रम में जो 17 राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसी में इसका अवेयरनेस और जो सिकल सेल स्क्रीनिंग का जो कार्य है वो किया जा रहा है। तो हमारे प्रदेश में भी जो हम लोगों को टारगेट दिया है वो 3 वर्षों का जो टारगेट है वो 2,59,000 दिया है। लास्ट ईयर जो टारगेट था हमारा 87,000 था जिसमें से हम 94% है वो कवर कर चुके थे और इस वर्ष भी जो हमें टारगेट है उसका लगभग 12% हम लोग कवर कर चुके हैं। आज वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जा रहा है जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर 1 जुलाई 2030 को किया था कि 2047 तक हमको भी भारत में जो है सिकल सेल डिसीज को समाप्त करना है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज 19 जून को हमने मनाया है। हमारे पूरे 13 जिलों में ये प्रोग्राम चल रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चल रहा है, हमारे CSC में चल रहा है और स्टेट में हमने दून मेडिकल कॉलेज के माध्यम से बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है।